और आज जो सभा आयोजित की गई है, इस सभा का मुख्य उद्देश्य केवल यहाँ पे आके भाषण देना और सुनना ही नहीं है, बल्कि उस भाषण उन बातों को अपने जीवन में उतार कर उसके अनुभव करना है। जैसे बूंद बूंद कर घड़ा भरता है, वैसे ही छोटे छोटे मंच पाकर एक दिन अपने शब्द बड़े मंच पर प्रस्तुत करने, ऐसा बनना है। तो संस्कृति को आगे बढ़ाते रहे और निरंतर चलते रहे, यही कामना करते हुए मेरी ऋतिक जी गुरु जी से निवेदन करूंगा कि वह आए और दीप प्रज्वलन करें और इस मंच की प्राप्ति के लिए हम निरंतर मेहनत करते रहे। हमारे गुरु जी ने हमारे पीछे इतना कुछ किया, श्रीमान वेद गुरु जी अपने पीछे हर प्रोग्राम करते हैं, जैसे शास्त्र सिखाया और अपने शास्त्र में भी इतना ज्ञान देते हैं। तब ऋषि बोलते हैं कि आप मेरा और मेरे साथ मरी हुई सभी मछलियों का उचित मूल्य दे दीजिए। तब राजा बोलता है कि मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। तब ऋषि मना बोल देते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा उचित मूल्य नहीं है। तब राजा बोलता है कि मैं आपको 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। तब ऋषि मना बोल देते हैं और बोलते हैं ये भी मेरा उचित मूल्य नहीं है। तब राजा परेशान हो जाता है और बोलता है मैं आपको 1,00,000,000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। तब भी राजा और बोलता है कि मैं आपको मेरा पूरा आधा राज्य दूंगा। तब भी ऋषि मना बोल देते हैं और तब राजा और चिंतित हो जाते हैं और बोलते हैं मैं आपको मेरा पूरा राज्य दे दूंगा और मैं आपका सदैव आपका दास बन के रहूंगा। तब भी ऋषि मना बोल देते हैं। तब राजा उस वृद्ध व्यक्ति की बात सुनकर जमन ऋषि को एक गाय दान दे देता है। तो जमन ऋषि उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि गाय दान सबसे बड़ा दान होता है। जय भारत, जय गौ माता। जिन्होंने एक कहानी के माध्यम से आपको ये बताया कि दुनिया में धन कुछ महत्वपूर्ण नहीं रहता, सबसे बड़ी गौ सेवा होती है, क्योंकि पुराने ऋषि मुनियों ने भी स्वर्ण मुद्रा, लाखों करोड़ों स्वर्ण मुद्रा उन्हें राजा ने पूरा राज्य देने के लिए बोल दिया ऋषि मुनियों को, लेकिन उन्होंने एक गौ सेवा ली। नमो नमः। मेरे अग्रज मनोज भ्राताओं का मेरा प्रणाम एवं अतिथिगण और मेरे आचार्यगण को मेरा प्रणाम। श्री माँ गायत्री माता के चरणों में वंदन। ओम मनोजवम रततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठां वातात्मनं वानरयोतयोग्यां श्रीरामदूतं चरणं प्रपद्ये। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से ही उत्पन्न गुणों के द्वारा उन्हें विभक्त किया गया है। अपे स्वर्णमये लंकानमे लक्ष्मण रोचते जनने जन्मभूमि सर्गादपि करीयसे। यह वाक्य त्रेता युग की, जब राम भगवान लंका का युद्ध विजय करके अयोध्या वापस लौटते होते तो भ्राता श्री लक्ष्मण राम जी से पूछते हैं कि हम स्वर्ण भरी लंका अशोक वाटिका यहाँ के बहुत सौंदर्य वातावरण को छोड़ के वापिस अयोध्या क्यों जा रहे हैं? यहाँ पे भी हम निवास कर सकते हैं, हमने पूरा विजय प्राप्त कर लिया है, तो यहीं से बैठ के हम आगे कर सकते हैं। तो उसमें श्री राम भगवान श्री राम बोलते हैं जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि करीयसे। तो भगवान श्री राम बोलते हैं जन्म देने वाली भूमि हमें स्वर्ग से प्यारी होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं व्रजाम्यहम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण अपने अवतार का अवसर का वर्णन करते हैं कि जब जब इस युग में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं इस युग में अपना अवतार ग्रहण करूंगा। श्री
गायत्री माता के चरणों में सत सत नमन और श्री गुरु जी के चरणों में सत सत नमन। मैं आप सभी को श्री मद भगवत गीता के 18 अध्यायों के नाम बोलना चाहता हूँ। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफलदे, जय शुंभनि शुंभकपालधरे, प्रणमामि तु देवी नराधि हरे। दान वाले कोई भी व्यक्ति अपने बुरे कर्म अथवा अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए दान करता है उसे दान कहते हैं। और आज के जमाने में दान एक फैशन बन गई है। कोई भी व्यक्ति दान करते समय वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है और भिक्षुओं की चर्चा करता है। इसमें शराब तथा मांसों का तथा मछली अंडों का खान पान किया जाता है, जिसलिए पूरे मनुष्य के जीवन काल में जीवन काल व्यर्थ जाता है। बताया कि हमें उसी आग का सेवन करना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी हो। ऐसे आग का सेवन नहीं करें जिससे कि ताम्र और हमारे शरीर में गुस्से जैसी प्रवृत्तियां हैं। जब भिक्षुओं ने शिवाजी महाराज वापिस आते हैं तब एक कसाई जबरदस्ती करके गौमाता को दिल्ली की सड़कों से जबरदस्ती लेकर जा रहा था। तब इधर से हिंदू देख रहे थे, इधर से हिंदू देख रहे थे, पर हिंदू कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि मुसलमानों का राज था और मुसलमानों के राज में हिंदू कुछ कर नहीं पा रहे थे। और इसी के दौरान इधर से शिवाजी महाराज आते हैं और शिवाजी महाराज को ये देखा नहीं जाता और शिवाजी महाराज अपने ज्ञान से तलवार निकाल के सर्वप्रथम उस रस्सी को काट देते हैं और शिवाजी महाराज के बाद आते हैं और शिवाजी महाराज के बाद कहते हैं कि हमें लाल के बकरी था हिंदू के गुरु के ऊपर, हमें लाल के हमारे क्षत्रिय के ऊपर जन और रक्षा देने का सिद्ध है, जन और रक्षा देने का सिद्ध है। अगर हमें हिंदू तो होना है तो सर्वप्रथम जी गौ माता को बचाओ, गौ की रक्षा करो और इसी के लिए करते हैं कि हमें जब भी जहाँ भी गौ माता मिले उसे प्रणाम अवश्य करेंगे। और जब तक गायत्री धाम में है तब तक तो हम पानी के माध्यम से गौमूत्र पिएंगे ही। मैं चाहता हूँ कि आज जो हमारा इस मंच का संचालन जिसने किया है नरेंद्र ने, तो ट्रॉफी का हकदार नरेंद्र ने। गुरुजी ने इस सलोबर जिले में बहुत बड़ा नाम कमाया। दो साल पहले विद्यालय को कोई नहीं जानता था। इस सलोबर जिले बनने पर और इनको गोरक्षा जल जिला के अध्यक्ष बनने पर इनकी इतनी पहचान हो गई है कि इनको बच्चा बचा जाता है। मैंने भी इनकी तारीफ सुनी। जिला लोदा खरदा करावी खेरा बस्सी अन्य गांव में इतनी पहचान की है, इनका कोई कारण नहीं। पहचान की करनी पड़ती है।